गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो आज योग हमारे जो गुरु हैं उन सबको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं मिलके, तो मैं वीडियो बना रही हूँ और आप लोग भी सुनिए और देखिए। सब हमारे को बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं और हमारे को एक स्वस्थ जीवन होना चाहिए, उसके लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि गुरु पूर्णिमा के पर्व पर आज हम अपने गुरुओं का सम्मान करें और छोटे से एक कार्यक्रम यहाँ पर अपनी आयोजित कर रहे हैं, तो शुरुआत कर रहे हैं। गुरु वो सभी दूर होते हैं, तो हम सभी अपने गुरु को नमन करते हैं और इनके सम्मान के लिए अपना कार्य शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले निवेदन करूँगा कि आप लोग के आज के लिए पहले टीका लगाएं, आप आइए। और कोई साथी अपने कुछ गुरु पूर्णिमा बोलना चाहे, कुछ अपने विचार रखना चाहे, स्वागत है। आप लोग भी बोलना चाहते हैं सीख सकते हैं और हमारे निजी जीवन से भी सीख सकते हैं, हमारे
साथ जो मिल रहा है किसी और के साथ मेरे साथ नहीं मिल रहा है। अच्छा कैसे हो, अच्छाई कैसे आती है वो हम उसको मानते हैं, और अच्छा स्वास्थ्य कैसे आता है उनके प्रति सजग रहें और उसके ऊपर हम अपना चाहे आधे घंटा एक घंटा या दो घंटा जितना भी समय दें और निरंतर इसको करते रहें। एक ज्योति है जैसे हम ज्योति होती है वो ज्योति है तब तक हम बोल रहे हैं, जब तक ये ज्योति यहाँ से बाहर आ रही है इसके बाद से मिट्टी का ठहरा रह जाता है। वैसे ही हम इस ज्योति को और उज्ज्वलित करने के लिए निरंतर हम योग का अभ्यास करें जिससे हम स्वस्थ रहें और समाज को और देश को लिए इसमें सहयोगी न्याय जिससे हमारे मॉर्निंग। राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी जरूर बताइएगा। तो अभी समय हो गए हैं, आज तो 11 बज गए हैं और मैं थोड़ा सा ब्लॉग लेट शुरू कर रही हूँ। बस खाना वगैरह तो सुबह का जो है टिफिन तो बना ही दिया था, भिंडी की सब्जी और रोटी, उसके बाद मैंने बना दिया इसके अलावा दोपहर के लिए राजमा और मैंने खा लिया और मैंने बहुत ज़्यादा ही खा लिया, बहुत बढ़िया बना था। जबकि टमाटर घर में नहीं था और टमाटर इस समय हो गया है 120 रुपये किलो। और सही पूछो गर्मियों में टमाटर कम भी खाना चाहिए, इस समय पे टमाटर बिल्कुल कम खाना चाहिए। कहते हैं इस समय का टमाटर अच्छा नहीं होता, कीड़े भी होते हैं कई बार, अंदर हमें दिखते नहीं हैं। और दूसरी चीज़ होती है उसमें हाँ उनके बीज जो होते हैं वो कड़े हो गए होते हैं इस समय, तो मतलब बोने का टाइम जब आता है, अंकुरित होने का जो टाइम आता है तो वो टाइम चल रहा है, तो इसलिए अभी गमलों में पानी डालना है। यह ज़रा सा मैं पानी डाल देती हूँ और उसके बाद फिर अभी दोपहर में चलूँगी विभो को लेने के लिए। हमारा ये सब काम हो ही गया है। सब मैं पानी डाल देती हूँ, बड़ी जल्दी में कोई फूल नहीं आया, एक पौधा निकला था जो वो बेचारा इसी चल रहा है सूख रहा है। ये वाला पौधा सूख गया है, ये वाला इतना बढ़िया था, इतना फूल निकलता था इसमें लेकिन सूख गया। अब इसको जो है दूसरा पौधा ले आना पड़ेगा, एक इसमें एक उधर वो व्हाइट वाला गमला है ना वो भी गुलाब था, उसमें छोटे वाले गुलाब थे वो भी सूख गया। अब देखती हूँ एक दिन चल के कई पौधे ले आने पड़ेंगे, एक और गमला उधर, दो गमले और खाली हो गए हैं तो अब चलना ही पड़ेगा। इस बार करी पत्ता का एक पेड़ तो देखो सूख गया, दूसरा क्या है जितनी गर्मी पड़ी ने इस बार उसमें क्या है कि एकदम बेचारे सबकी हालत ख़राब हो गई। देखिए ये वाला गमला है देखो एकदम सूख गया, इसमें पीस लिली थी वाइट वाली ले आए थे, कितना बढ़िया था। गर्मियों में मैंने बचाने की कोशिश किया, घर के अंदर रख दिया था कुछ दिन तक, लेकिन वही पता नहीं क्यों नहीं बचा। अभी थोड़ा बीच में हरा था तो मैंने यहाँ ले आकर रखा कि अभी इसको बाहर रखते हैं और थोड़ा धूप भी लग जाएगी। हो गया खाना, कुछ ज़्यादा ही खा लिया मैंने राजमा, जब भी मैंने सोचा कि पता नहीं कैसा होगा, टमाटर नहीं था वैसे, टमाटर राजमा मैं कम ही डालती हूँ लेकिन थोड़ा सा खटास के लिए डालना होता, मैंने अमचूर डाला था और ज़रा सा चाट मसाला डाला था, पता नहीं चाट मसाला मैंने बस ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के लिए डाला था लेकिन बहुत टेस्टी बना, आप लोग भी ट्राई करना। तो चलो अभी मैं चल रही हूँ, एक कमरा मुझे सही करना है, वो कमरा बिबू पूरा फैला के गए हैं, आज शर्ट उनके एक दो टाइट थे तो वो सब निकाल निकाल के ऐसे फेंक दिए हैं, तो चलो सही करके फिर निकलेंगे बिबू को लेने। उसने नाम के साथ ना सेक्शन भी लिखा वंशिका कोठारी,
मशाल है इसका तो लायन है, इसका क्या है? इसका लायन है समीरा लुहा स्टार। अच्छा लुहा दिया टुगेदर स्ट्रॉन्गर टुगेदर ऊपर स्टार बना हुआ है ना वो स्टार करुण इसने इसने वो दिए हैं क्या है ये पूरा फॉर पहला रीजन सारे दिन ये इनकी वो होती है ना वो डिबेट वो जो होती है जिसमें ये अच्छा हैं ये बाहर बच्चे और उनके बाद मॉक पार्लियामेंट्स अच्छा डिबेट्स इंटर हाउस कॉम्पिटिशंस और एक्टिविटी क्लब कल्चरल एक्टिविटीज एंड मेनी मोर कितने बड़े बड़े होते हैं यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े बड़े पूरा एड वो कैंपेन चलाते हैं। तो वो यूनिवर्सिटी वाले पैसे देते हैं? नहीं खुद पैसा खर्चा करते हैं बच्चे यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा बड़ा वो यूनिवर्सिटी में पैसे मिलता है क्या? अरे फिर उसको तो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है ना देते हैं पैसा अभी पैसा थोड़ी हमें पता कितना देते हैं